बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान उर्फ भाईजान को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है और लोग इस कदर उनके दीवाने हैं कि उनकी फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा हॉल तक बुक कर लेते हैं। वैसे बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए कुछ विवाद भी जरूरी है जो सलमान खान की जिंदगी में भी है। सलमान खान का करियर विवादों से भरा है लेकिन उनमें से कुछ खास किस्से यूं कह लो कि काले सच है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए बात करते हैं उनके बारे में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। महिला पर उठाया हाथ। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे कहे जाने वाले सलमान खान का नाम ऐश्वर्या राय से भी जुड़ा है। दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी लेकिन आज दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं और दोनों के अलग होने का कारण भी अलग अलग बताया गया है। लेकिन एक बार एक इंटरव्यू में खुद ऐश्वर्या राय ने बताया था कि सलमान उन्हें मारते थे और बेवजह उन पर हाथ उठाते थे। केवल इतना ही नहीं, वो ऐश्वर्या राय पर शक भी करते थे और दूसरे स्टार्स के साथ उनका नाम जोड़ते थे। और ऐश्वर्या राय के अलावा एक बार खबर ये भी आई थी कि सलमान कैटरीना कैफ पर भी हाथ उठाने वाले थे क्योंकि कैटरीना कैफ ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी लेकिन उस समय करीना ने कैटरीना को बचा लिया। लेकिन इस बात का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और इस तरह ये साबित होता है कि सलमान खान का गुस्सा काफी खराब है और गुस्से में वो अपने करीबियों पर भी हाथ उठा सकते हैं। काला हिरण विवाद। इस विवाद से तो आप सभी वाकिफ होंगे और इस विवाद के कारण सलमान को आज भी जोधपुर के कोर्ट में पेश होना पड़ता है। उन्होंने 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के एक गांव में दो काले हिरणों का कथित अवैध शिकार किया था और इसी मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 18 दिन जेल में भी रहना पड़ा और इस केस में सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। और फिर काले हिरण का शिकार मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी लेकिन वर्तमान में वो जमानत पर चल रहे हैं और अभी भी अपील लंबित है। वैसे सिर्फ सलमान खान ही नहीं, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे और नीलम कोठारी भी काले हिरण का शिकार करने के मामले में शामिल माने गए हैं। शराब पीकर सड़क पर सोने वालों पर गाड़ी चढ़ाना। यह बात 28 सितंबर 2002 की है जब अभिनेता की टोयोटा लैंड क्रूजर कार ने मुंबई के बांद्रा उपनगर में एक बेकरी के बाहर 5 लोगों को कुचल दिया था और इनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। वहीं उस समय सलमान ने अदालत के इस निष्कर्ष को चुनौती दी कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और इस दौरान सलमान खान ने कहा था कि अदालत ने उन्हें हत्या के आरोप में गलत तरह से दोषी ठहराया है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। और उस दौरान खबर ये भी आई थी कि जब दुर्घटना हुई तो टोयोटा लैंड क्रूजर में 4 लोग मौजूद थे और उनका पारिवारिक चालक अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। उस समय सलमान खान को 6 मई तक एक सत्र अदालत ने गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोप में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी लेकिन बाद में उनकी अपील को विचार के लिए मान लिया गया और उन्हें जमानत दे दी गई और यह केस अभी तक जारी है। इस मामले में सलमान ने मुंबई की जेल में समय बिताया है और यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में खत्म हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। सलमान खान और विवेक ओबेरॉय। सलमान खान एक सुपरस्टार है, इस बात में कोई गुरेज नहीं और वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एक समय था जब सलमान खान और विवेक ओबेरॉय का झगड़ा सुर्खियों में रहा था जो दरअसल ऐश्वर्या राय से अलग होने के बाद सलमान और विवेक के बीच झगड़ा हुआ था। हुआ यूं था कि सलमान से अलग होकर ऐश्वर्या राय अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नजदीक आ गई और ये बात सलमान खान को पसंद नहीं आई और उस दौरान उन्होंने विवेक ओबेरॉय को फोन लगा दिया और धमकी दी और इसके बाद विवेक और सलमान इंडस्ट्री में जानी दुश्मन बन गए। आज भी दोनों की दुश्मनी बरकरार है। पाकिस्तानी चैनल को दिया इंटरव्यू। सलमान खान की उस वक्त बहुत अधिक आलोचना हुई थी जब उन्होंने पाकिस्तानी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले को इसलिए बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है क्योंकि इसमें खानदानी लोगों को निशाना बनाया गया है। और ये होने के बाद उन्होंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया था, चाहे ये 9/11 हो या 26/11, उन्होंने यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान को दोष नहीं दिया जाना चाहिए कि यह इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की असफलता है। वो सब होने के बाद सलमान खान ने सामने आकर यह कहा था कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, यह गलत अर्थों के सामने लाया जा रहा है। मैंने तो बस इतना कहा था कि सभी लोगों की जान बराबर होती है, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, सब बराबर है। शारीरिक व्यायाम की तुलना बलात्कार से। इंडस्ट्री में भाईजान के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता सलमान खान उस समय विवादों से घिरे थे जब उन्होंने सुल्तान फिल्म के दौरान शारीरिक व्यायाम से भरे शूटिंग की तुलना बलात्कार की शिकार महिला से कर दी थी।
आपको याद हो तो ये मामला उनकी फिल्म सुल्तान के रिलीज होने से पहले आया था और इस विवाद के बाद उन्हें लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई और वहीं कई लोग तो ऐसे भी थे जो इस बात पर उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों क्या है आप किस पर राय, दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिसोड में।